राजेश भाई ना इसको ना लेते ही ना निकल गए थे सीधा भाई कन्याकुमारी की तरफ लेके निकल गए थे। पूरी इंडिया नाप दी थी 90% तक हो जाती है। कितनी देर में? 40 मिनट में बहुत आराम। 90% 40 मिनट में आपकी चार्ज हो गई। हमें कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि चार्जिंग हमें नहीं मिल पाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो चुका है। बट हाँ, 3.5 करोड़ की गाड़ी से आप इसे कंपेयर कर रहे हो ये बात भी बहुत बड़ी है। मैक्सिमम शायद 1.5-2 घंटे में उन्होंने गाड़ी हमें दे दी। खास होने वाली है क्योंकि आज के जो ओनर है इस गाड़ी के उन्होंने इसको हर तरीके से भाई निचोड़ रखा है। हर तरीके से उन्होंने टेस्ट कर रखा है। उन्होंने इसका भाई हिल टेस्ट, हाईवे टेस्ट, रेंज टेस्ट और भाई पूरी ना इंडिया नाप दी उन्होंने इस गाड़ी को लेके। मैं बता दूं वो नोएडा से निकले थे और भाई हमारा राम सेतु तक वहाँ चले गए। मतलब कहते हैं नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया दोनों जोड़ दे इस कर्व के साथ। तो भाई जितने भी क्वेश्चन ना किसी के मन में आते हैं ना कर्व को लेके वो उन्होंने अपने ऊपर टेस्ट किए। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है ना तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, उससे पहले करना चैनल को सब्सक्राइब और कर लेना इस वीडियो को लाइक। भाई इस मुहिम के साथ आपके पैसे ना जाए बेकार। आप एक अच्छी कार बुलाते हैं इस गाड़ी के दमदार ओनर को मिस्टर राजेश जी को। तो हेलो राजेश जी, वेलकम टू आरएनके ऑटोस। हेलो, कैसे हो आप? बढ़िया। तो वीडियो शुरू करने से पहले ना एक छोटा सा इंट्रो हो जाए। मेरा नाम है राजेश और ये कार अप्रोक्सीमेटली 3 हफ्ते पहले ली थी। मतलब 3 हफ्ते पहले इसकी डिलीवरी मिली है। मतलब 3 हफ्ते पहले आपने ली थी डिलीवरी और इतने सारे जो आपने टेस्ट कर लिए इसके साथ। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद अप्रोक्सीमेटली अभी तक हमने इसको 6,500 प्लस चला दिया। वाओ, मतलब एक महीना भी नहीं हुआ। मैं बता दूँ 6,500 जो चलाई इन्होंने ना मैक्सिमम ना भाई इसको ना आउटस्कर्ट मतलब हिल्स वगैरह मैक्सिमम वहीं चलाई है। तो ना हम ना परचेज से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है राजेश भाई, टाटा कर्व ईवी आई और अब कर्व आइस भी आ चुकी है। तो ना एक क्वेश्चन रहता है आजकल जब भी टाटा महिंद्रा का जो फर्स्ट लॉट की जो गाड़ियां होती है उनमें ना प्रॉब्लम्स रहती है। मतलब मैक्सिमम ये आ रहा है सामने। तो कर्व का प्लान कैसे बना, ईवी का प्लान कैसे बना और कैसे आपके गैराज में आके खड़ी हुई? इससे पहले मेरा हैरियर पेट्रोल लेने का प्लान था बट वो लॉन्च ही नहीं हुई कभी। ओके, वेट काफ़ी वेट करा मैंने, लगभग 2-3 साल मैंने वेट करा उसका। वही गाड़ी पसंद थी मुझे, नहीं ले पाया फाइनली। ओके, तो कोई उम्मीद भी नहीं लग रही थी कि पेट्रोल आने वाली है हैरियर फिलहाल। ओके, कोई उम्मीद नहीं थी। तो ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, नई गाड़ी थी, एक टाटा पे भरोसा भी था मेरा, देशभक्ति भी थी। हाँ, देशभक्ति भी, देश का लोहा भी है। तो इसी वजह से मुझे थोड़ी कर्व ज़्यादा अच्छी लगी तो मैंने फर्स्ट डे इस गाड़ी को बुक कर दिया। ओके, फर्स्ट डे बुक कर दिया था। फर्स्ट डे जो 12 तारीख की इसकी लॉन्चिंग डेट थी, बुकिंग डेट थी, उसी डेट पे बुक कर। तो मेरे ख्याल से नोएडा की पहली डिलीवरी होगी जो आपने ले ली? नहीं नहीं, पहले तो नहीं थी। ओके, क्योंकि उनसे मैंने बात करी थी शोरूम वालों से, वो भी यही कह रहे थे कि नहीं सर 2-3 तो कर चुके डिलीवर पहले। ओके, अच्छा राजेश भाई अब ये बताओ जब आपने खरीदी ना तो टाटा के ना शोरूम पे आप गए तो वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस था और इसकी आपने फर्स्ट सर्विस करवा ली है तो आप जब सर्विस सेंटर गए तब कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि ना एक चीज़ रहती है लोगों के मन में, टाटा के शोरूम पर जब आप जाते हो तब आप होते भगवान, जब आप सर्विस सेंटर जाते हो तब होते आप शैतान। तो अभी आप भगवान हो या शैतान? परचेज तो यहीं से किया था, नोएडा से। सेल्स का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, नोएडा से परचेज करी थी। सर्विस हमने कराई थी हैदराबाद में क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे थे, ऑप्शन कोई था नहीं। वहाँ भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। ओके, बहुत स्मूथली, एक डेजिनेटेड एरिया था, एक वहाँ पर हमने गाड़ी लगा दी थी। मैक्सिमम शायद 1.5-2 घंटे में उन्होंने गाड़ी हमें दे दी। उन्होंने बताया था सर हमने ये काम इसमें किया, ये चीजें करी है। वॉश के लिए हमने मना कर दिया था क्योंकि पीपीएफ हो रखी थी, वो यहाँ वाले बंदे ने, डिटेलिंग माफिया वाले ने मना कर रखा था कि फिलहाल अभी आप इसमें वॉश वगैरह मत करवाओ। ओके, तो वॉश हमने करवाई नहीं, तो सही था, अच्छा था। अच्छा राजेश भाई, पीपीएफ को लेकर ना लोग कहते हैं स्कैम है, कहते हैं भाई जितने में आपकी पीपीएफ हुई है उतने में तो ना आपकी रिपेंट हो जाएगी। तो आपके लिए क्या है, आपने जैसे पीपीएफ करवाई है इसमें, तो ये स्कैम है सच में या फिर रिपेंट करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन क्या है? नहीं देखो, इससे पहले मेरे पास I-20 थी, कोई पीपीएफ नहीं कराई थी, कुछ नहीं कराई थी। बट धीरे धीरे मैंने नोटिस करा कि काफ़ी पेंट वेंट निकल रहा है, पैच पड़ जाता है, लोग थोड़े अलग अलग मेंटेलिटी के बाहर घूमते हैं, कोई चलते फिरते चाबी इतनी साफ लग रही है चलो डिज़ाइन बना दो तो कुछ भी कर देते हैं। ओके, मेरा पीपीएफ कराने का बस इतना सा सीन था कि मुझे गाड़ी को अपने काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से रखना था, प्यार से रखना था, मुझे अच्छा लगता है गाड़ियों को साफ सुथरा रखना, खुद भी चीज़ों को ऐसे, तो बस यही एक रीज़न था। अब उसके पीछे एक्चुअल रीज़न क्या, लोग कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है ये नहीं, तो मुझे नहीं पता ये सारी चीज़ें ज़रूरत है कि नहीं है। मेरा मन था मुझे गाड़ी को अपने प्यार से सेफली रखना था, मैं नहीं चाहता कि छोटी मोटी चीज़ों की वजह से मैं परेशान हूँ, फिर के सोचूँ यहाँ भी हो गया वहाँ भी हो गया, पैनल चेंज करवाओ इतनी जल्दी, तो
मुझे लगा पीपीएफ चार कितना ही चेंज करा लो, जो पेंट का जो डिजाइन होता है ना, कोडिंग होती है, वो मैच नहीं कर पाता, मैच नहीं हो पाती। और अब इन कलर्स की तो वैसे भी नहीं हो पाती, नार्डो ग्रे करके जो आता है। बाकी ना ये चीज सच है कि जो हमारे एंसेस्टर्स कह गए कि ना, एक अगर लड़के से पूछोगे कि उसको अपनी गर्लफ्रेंड चाहिए अपनी गाड़ी, ज्यादा प्यार किससे है, तो क्या कहेगा इंसान? भाई दोनों सही है मुझे, दोनों सही है। अच्छा, मतलब क्या था, गर्लफ्रेंड ना देख ले वीडियो? नहीं ऐसा नहीं है, मुझे तो दोनों सही है। और सर्विस सेंटर को कभी अच्छा ही रहा, मतलब दोनों जगह भगवान, दोनों जगह बढ़िया भगवान शुरू में, ठीक है, अच्छी बात है। मैं बड़ा खुश ये चीज देख के, जब टाटा का कोई ना कस्टमर जब सर्विस सेंटर की तारीफ करता है ना, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। अच्छा, अभी कौन सा वेरियंट है, कितनी ऑन रोड पड़ गई थी आपकी? ये है एम्पावर्ड A+55। ओके, टॉप मॉडल है? टॉप, हाँ टॉप मॉडल है ये लगभग 23 लाख के आसपास का पड़ा। ओके, 23 लाख के आसपास पड़ गया था। तो जब आपने ये ली, तो ना एक जो लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा परचेज से लेके, कि ना जो उसका डिज़ाइन है, यूट्यूबर्स ने ना क्लिक बेट्स मारी बहुत सारी कि 3.5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी ऑरस, टाटा कर्व 25 लाख का जो आपने टॉप वेरिएंट लिया है, ये दोनों का सेम डिज़ाइन है, तो ये क्या 25 लाख में सच में लैम्बोर्गिनी ऑरस है? डिज़ाइन सब्जेक्टिव कैसा है, डिज़ाइन वाइज पूरी गाड़ी कैसी है? तो इसका काफ़ी अच्छा है, पर्सपेक्टिव तो वैसा ही कुछ है इसका, बट हाँ एक 3.5 करोड़ की गाड़ी से आप इसे कंपेयर कर रहे हो, ये बात भी बहुत बड़ी है। Okay. मेरे हिसाब से एक 23 लाख की गाड़ी को आप 3.5 करोड़ की गाड़ी से कंपेयर भी कर रहे हो, तो ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। और यार ये हमारी इंडिया की कंपनी ने एक इतनी अच्छी चीज डेवलप कर रखी है कि आप उससे कंपेरिजन कर तो सकते हो एक बार, ये बड़ी अच्छी बात है। और ये सर कूपे डिजाइन निकाला है, और अब तो अपनी महिंद्रा भी लेके आ रही है XUV700 का EV वर्जन लेके आ रही है, X9 करके कुछ ऐसे लेके आ रही है उसका ना। अच्छा, आप ये बताओ कि ना जो आपकी लॉन्ग टर्म रही है इसमें ओनरशिप, एक तरीके से मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो आपने इसको टेस्ट किया, तो जैसे आपने खरीदी तो आप कितने दिन बाद इसके लेके निकल गए थे, और कैसे कैसे क्या प्लानिंग रही थी? संडे को इसकी डिलीवरी मिली थी, मंडे को हमने PPF के लिए दे दिया था इसे, फिर उसने अप्रोक्सीमेटली हमें 3-4 दिन बाद ही गाड़ी दी थी। तो उसके नेक्स्ट वीक, मतलब उसी वीक में सैटरडे नाइट, संडे मॉर्निंग को हम निकल गए। कितने लोग बैठ गए थे आप? हम 3 लोग गए थे, मैं, प्रतीक और अजय। ओके, PPF वगैरह इसकी कंप्लीट हो गई थी एक हफ्ते, ठीक है, तो उसके बाद ही हम निकल गए थे। और सीधा आप निकले, तो सीधा अपना साउथ में निकल गए पूरा, मतलब आप राम सेतु की तरफ निकल गए? हाँ सीधा, हमारा वही डिसाइडेड था कि हम एक ट्रिप पे जाना है, गाड़ी भी नहीं ली है, मन था, तो हाँ सीधा वहीं निकल गए थे कि बहुत दिन से कहीं गए नहीं। ओके, और जब आप जैसे निकले, तो आपका कितना रन हो गया था अप्स एंड डाउन दोनों का, टोटल कितना किलोमीटर आपका रन हो गया? 6000+, 6000 अप डाउन दोनों मिला के 6000+। ओके, तो यार ना कंपनियां ना ईवी बेचती है ये कह के कि आपके ना फ्यूल एफिशिएंट रहने वाली है, खर्चा नहीं आएगा तेल वेल का, ऊपर से आपकी भाई कोई मेंटेनेंस का इतना कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है, और ना कहते हैं आप कन्वीनियंट ज़्यादा रहती है। तो अगर आप एक पेट्रोल गाड़ी लेके जाते, आपका कौन सी पेट्रोल गाड़ी है वैसे? आप i20 है, तो अगर आप मान लो i20 लेके जाते 4000 किलोमीटर, सॉरी 6000 किलोमीटर पूरा अप डाउन करते, तो उसमें कितना खर्चा आ जाता और इसमें कितना खर्चा आ गया आपका? पहली बात तो वो जा ही नहीं पाती। क्यों भाई? मतलब पुरानी हो गई है, मुझे नहीं लगता गाड़ी की कंडीशन। हाँ, पेट्रोल में कितना खर्चा आता है इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो मुझे पता है नहीं। ओके, बट इसमें मेरा काफी कम हुआ है। मान लो अगर जैसे कि आपकी i20 थी, हाँ, तो 6000 किलोमीटर जो है, हाँ, 15 की माले अगर लेके चले, नहीं 15 भी नहीं देती ना वो। अच्छा, 15 भी 10-11 देती है। तो अगर हम वैसे 15 या 10 के बीच में अगर ले लें, हाँ, तो अगर इसको डिवाइड कर ले तो 400 लीटर का कुछ तेल लग जाता आपका, और अगर 100 से गुणा कर ले तो लगभग 40,000 का पेट्रोल लग जाता आपका पूरा ट्रिप में। तो इसका कितना खर्चा आ गया ईवी का? इसकी टाटा की चार्जिंग तो फ्री थी, हाफ चार्जिंग हमने कम से कम टाटा से करी है, अप्रोक्सीमेटली हाफ। Okay. बाकी पेड करी है तो वो 5-6 हज़ार के आसपास है। ओके, okay, तो अगर टोटल देखा जाए चार्जिंग की वैल्यू तो मेरे हिसाब से 10-11 हज़ार के आसपास है टोटल। Okay. तो मतलब 30,000 रुपये आपके सीधे सीधे बच गए। हाँ, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। बाकी यार मेरे को ना एक चीज़ बताओ कि ना जब भी कोई ना आज के टाइम पे ईवी वगैरह लेता है, तो ना उसका एक मन में बड़ा ज़्यादा डर रहता है कि मैं अगर कहीं पर दूर जाता हूँ, लॉन्ग ट्रिप वगैरह जाता हूँ, तो भाई चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलेंगे। आजकल हमने जैसे इतनी सारी वीडियोज़ भी देखी है कि चार्जिंग स्टेशन की बुरी हालत है, कुत्ता सो रहा है, आदमी सो रहा है, टूटा फूटा पड़ा है, आपने भी देखा होगा इतना कुछ है। इवन जो इंडस्ट्री लीडर है जैसे कि गगन चौधरी, जो इतने बड़े ब्लॉगर है, उन्होंने कहा था कि इस सेंचुरी का सबसे बड़ा जो अपना स्कैम है वो है एक ईवी। जी, तो जैसे आप गए, तो हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है ईवी के लिए? हाँ, या नहीं है? आपको कहाँ कहाँ पर कुछ परेशानी आई, नहीं आई, पूरी एक बार कहानी बताओ इस बारे में। पूरी तरीके से रेडी है, हमें कहीं पे भी ऐसा फील नहीं हुआ। ओके, कि चार्जिंग नहीं हो पाएगी। कहीं कहीं पे ऐसा था कि वहाँ पे चार्जिंग नहीं काम कर रही थी, बट उसके आसपास हमने चेक किया तो कोई दूसरा स्टेशन हमें मिल गया था। ओके,
तो हमें कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि चार्जिंग हमें नहीं मिल पाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो चुका है, हो चुका है सब कुछ। ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप है, रोड्स वगैरह भी काफी डेवलप्ड है, ओके चीजें काफी बेटर है। ऐसा तो कभी लाइक जो मैंने शुरू में बोला कि ना लोगों को डर लगता है ईवी लेते हुए, कहीं रुक रुक ना जाए, तो मन में डर था इतना था कुछ कि भाई मान लो इतने और एक पर्टिकुलर परसेंटेज पे कम आते हुए दिल धक धक करने लग गया होते तेज। कोई डर नहीं था, भरोसा था। अच्छा, ये गाड़ी को लेने के बाद पूरा भरोसा था, ओके, कि हम चार्जिंग भी कर लेंगे इजीली और सब कुछ हो जाएगा, ओके। क्योंकि 2-3 साल पहले मैं भी इस चीज को ऑब्जर्व करता था कि ईवी व्हीकल अभी आप एज अ प्राइमरी कार नहीं यूज कर सकते, बट अब ऐसा नहीं। तो आपने लाइक आप इतनी दूर चले गए तो प्लान कैसे किया कि होटल पे चार्ज जाके चार्ज की, होटल से फैसिलिटी है नहीं है, या फिर आपने सिर्फ चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज की? तो और चार्जिंग टाइम को लेके मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा इसके साथ साथ कि भाई चार्जिंग टाइम क्या ले रही थी, एक बार थोड़ा उस बारे में बताओ। होटल्स वगैरह पे तो चार्जिंग का कोई सिस्टम नहीं है, ओके। कुछ होटल्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने पार्किंग में लगा रखा है चार्जर, तो वो एक प्लस पॉइंट है, बट वो बहुत रेयर है, वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आप इंडिविजुअली अगर किसी से बात करोगे कि सर आप 60 एम्पीयर का सॉकेट दे दो मैं अपनी गाड़ी चार्ज कर लूँ, वो पहले तो शायद मना करें, और अगर हाँ कर भी देंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे वो मांगेंगे, उनको उनको भी नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू कितना कंजप्शन करेगी कार, क्या करेगी उनको नहीं पता। तो होटल्स वगैरह में तो इतना कुछ है नहीं कि आप चार्जिंग वगैरह कर लो, ज़्यादातर हमने चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज करी थी, ओके। और जो चार्जिंग टाइम है तो कितना टाइम ले रहे थे? चार्जिंग टाइम अगर 10 वॉट का चार्जर है स्लो, 10 वॉट स्लो में आता तो उसमें 8-9 आवर्स लग जाते हैं पूरी फुल चार्ज होने। तो आप 9 घंटे तक क्या करते रहे? हम स्लो चार्ज करते ही नहीं थे। अगर रात को अगर हमने कहीं पे स्टे करा होटल में, अगर स्लो चार्जर है तो हमने लगा दिया, ठीक है, नहीं है तो हम नहीं लगाते थे। तो फिर चार्जिंग स्टेशन में जैसे आप गए तो वहाँ फास्ट चार्जर अवेलेबल होंगे? हाँ, फास्ट चार्जर ही करते थे ज्यादा। तो कितने वॉट वाले रहते थे वो? 30 वॉट के, 60 वॉट के, ओके। इस पे क्वेश्चन है, टाटा ने जब कर लॉन्च ईवी की थी तो उन्होंने क्लेम किया था कि ये अप टू 80% चार्ज हो जाती है विद इन 40 मिनट्स अगर 70 वॉट का चार्जर हो, तो ये सच है या फिर क्या? ओके, सच है। 90% तक हो जाती है। कितनी देर में? 40 मिनट में बहुत आराम से। 90% 40 मिनट में चार्ज हो गई? हाँ, एक घंटे में तो ये फुल चार्ज हो गई समझ लो। अगर 60 वॉट का चार्जर भी हमने 60 वॉट से ही करा था तो आधे जी 40 मिनट में तो आराम से 80-90% आराम से। वाओ यार, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब टाटा जो क्लेम कर रहा है वो सच में ऑन मतलब रोड ऑन रियल है, तो हाँ। बड़ी बात है। इस पे एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, इसमें दो वेरिएंट आता है, एक 45 किलोवाट की बैटरी है, एक ही 55 का आता है, टॉप वेरिएंट आपने लिया है। 55 में जो कंपनी क्लेम कर रही है माइलेज 585 ऑन अ सिंगल चार्ज, राजेश की क्या कहानी रही है सिंगल चार्ज पे कितना किलोमीटर चल गई थी और कितने बाद उसने चार्ज कर लिया था? मतलब इतने भी नियम के आपने सोचा होगा इतने से कम जाएगी तो मैं चार्ज करूंगा, वो वाले अच्छा। पूछ रहा हूँ जो टाटा ने अपने इवेंट में कहा था उसने शायद क्लेम्ड रेंज 450 के आसपास बताई थी, वो 45 के किलोवाट की बैटरी बताई थी, 55 की उन्होंने 585 बोली थी। अच्छा, वो तो एक्चुअली मुझे इतना ध्यान है नहीं, बट जो मुझे इस गाड़ी से रेंज मिली है वो मिली है 380 से 450, ओके। डिपेंड करता है ड्राइविंग कंडीशन पे, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल क्रूज लगा के 60-70 पे चला रहा हूँ तो ये गाड़ी 450+ बहुत प्यार से जाएगी, ओके। अब अगर मैं उसको 100-110 पे ले जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं बैटरी कंजम्पशन इसका ज़्यादा हो रहा है, ओके। तो वो फिर 380-390 बाकी से जो मोड्स आते हैं तो स्पोर्ट्स या क्या? मोड्स भी काफी स्पोर्ट्स यूज किया आपने? बहुत, हाँ काफी अच्छा मोड। तो एक अगर मान लो फुल इसकी लाइक पोटेंशियल यूज करते हो तो 350 तक आपको ये रियल लाइफ में दे देगी? हाँ, अगर फुल पोटेंशियल में यूज करता हूँ, एसी वेसी सब चला के प्रॉपर फ्लो एयर बढ़ा के और गाड़ी भी 100-110 पे चला रहा हूँ हाईवे पे, तो हाँ 350 आराम, ओके। और जब आप इसको घर में नॉर्मली चार्ज करते हो तब कितना टाइम ले लेती है? घर में तो मेरे घर के पास स्लो चार्जर है, मैं रात को लगा के छोड़ देता हूँ, वो फुल चार्ज होती है 12 घंटे तक ले लेती है वो? हाँ, 7-8 घंटे में हो जाती है, बट अब सुबह फिर बाद में निकालता हूँ मैं, आधी रात को कौन जाएगा, ओके। अच्छा राजा, मेरे को ये बताओ कि ना जैसे जो ये गाड़ी जब आई तो ना लोगों ने थोड़ा जैसे कि अभी हमने हाल ही में ओनरशिप रिव्यू किया था विवेक जी का, तो उनको रैटलिंग नॉइज आ रही है अंदर से, तो आपके साथ क्या रैटलिंग नॉइज लाइक प्लास्टिक के चू चू की आवाज सामान? नहीं नहीं नहीं, केबिन बिल्कुल साइलेंट है, कोई मुझे ऐसी कोई वॉइस फील नहीं हुई ऐसा कोई भी आपको? नहीं नहीं नहीं, कोई मतलब अजीब सा कोई साउंड वगैरह नहीं, कोई साउंड नहीं है, ओके। और एक और जो चीज ना काफी कस्टमर्स ने बोला कि ना इसका DRL है ना चलते चलते ना आधा हिस्सा बंद हो जाता है। हाँ, ये तो मुझे फर्स्ट डे से ही पता है, पर मेरे लिए चीज इतनी मैटर नहीं करती फिलहाल,
गाड़ी का ड्राइव एक्सपीरियंस, इसकी सेफ्टी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि ये अगर छोटा मोटा लैग है भी, ये मेरे हिसाब से बहुत माइनर लैग है कि कभी ये DRL नहीं चलता इसका, कभी यही बस इतने लैग होते हैं इसमें। बाकी जो इसका एडास है, जो हैंडलिंग है, वो सब बहुत ज़्यादा स्मूथ है। उनमें मैं इतनी दूर होकर आ गया, मुझे 1% भी कहीं से ये फील नहीं हुआ कि कोई लैग है या कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, कुछ अजीब सा बिहेव करा कार ने, ऐसा मुझे कुछ फील नहीं। बाकी मैं बता दूं, जो इसका ये DRL है ना, ये जो आधा समझा ट्रिक है कि अपना राइट का इंडिकेटर अगर ऑन कर दो या जहाँ का भी बंद है तो इंडिकेटर ऑन कर दे, चालू हो जाती है। अच्छा राजेश भाई, अब मेरे को बताओ, जैसे आपने इसको लेके गए थे तो हेडलैम्प का क्या, नाइट का क्या एक्सपीरियंस है, नाइट में क्या सफिशिएंट अच्छा थ्रो है? ओके, मोस्टली मैं इसका लैम्प ऑटो पे रखता हूँ। ओके, सही है, अच्छा। और एडास आपने यूज़ किया था इसका? हाँ, एडास भी काफी, फीडबैक कैसी है एडास की? बहुत अच्छा। ओके, और टॉप स्पीड आप इसकी कितनी लेके गए थे? टॉप स्पीड इसकी हम 120-125 तक ले गए थे। ठीक है, इतनी तो ले गए थे। उस टाइम पे बॉडी स्टेबिलिटी की बात करना चाहूँगा, बाकी मैं इसकी बता दूँ, जो इसकी जो बैटरी है वो ऑन दी फ्लोर इसकी पैक कर रखी है, मतलब डाउनवर्ड से, तो बॉडी स्टेबिलिटी कैसी है? और 120 की स्पीड में आपको डर तो नहीं लग रहा था? बॉबलिंग वगैरह की पूछना चाह रहा हूँ मैं। बिल्कुल नहीं, बहुत स्मूथ है, बहुत स्टेबल है गाड़ी। ओके, बॉडी बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ भी लगा आपको? नहीं नहीं, कुछ भी। ओके, अच्छा राजेश भाई, एक मुझे चीज़ बताओ, जैसे ना इसमें पैनोरामिक सनरूफ आती है तो लोगों ने ना थोड़ा हेडरूम के लेके कंप्लेन की थी, जो खासकर जो पीछे बैठा है, तो आपका दोस्त आपसे लड़ा था कि मैं आगे बैठूंगा, मेरे को दिक्कत हो रही है? हमारे ग्रुप में है ही नहीं कोई इतना लंबा। अच्छा, सबकी इतनी हाइट है कि सब बहुत आराम से बैठ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी वो एक इशू है अगर लॉन्ग हाइट वाले दोस्त, हाँ अगर वो एक इशू है, वो ये चीज़ तो मैं जब खरीदने गया था मुझे तब भी पता थी, पर मेरे लिए वो मैटर ही नहीं करती थी। मुझे गाड़ी का लुक एंड फील, इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो कूपे डिजाइन है, ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी थी। ओके, मुझे इन चीज़ों का कुछ फर्क ना, मेरी फैमिली में से किसी ने ऐसा कहा कि नहीं ये चीज़ें, किसी को इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। ओके, और अब इसके बूट की बात करना चाहूँगा, 500 लीटर का जो बूट स्पेस आ रहा है इसका, मैसिव बूट स्पेस है, प्रैक्टिकल है या थोड़ा और हो सकता था? बहुत है, बहुत है, इससे ज़्यादा क्या लोग है? सही बात है, क्या तीनों दोस्तों का आराम से सामान आ गया, बहुत आराम से सामान आ गया। ओके, और जो आइस इंजन के साथ जो आती है कर्व, उसका 208 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस है, इसे बैटरी नीचे लगी इसलिए इसका कम हो गया है, लगभग इसका 185-90 कुछ करीब है, 190 के आसपास। हाँ, तो क्या नीचे से लगती थी ऐसा कुछ को कि आप इतनी दूर चले गए? हाँ, कि किसी किसी पॉइंट पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैचेज हो, हाँ वहाँ पे आपको बहुत काफ़ी ज़्यादा स्लो करके इसको आप नॉर्मली ना रेस दो ना ब्रेक करो, क्रॉलिंग करने दो से आराम आराम से, सिटी मोड पे आईको आपने कुछ भी लगा रखा हो ये आराम आराम से निकल जाएगी, बट अगर आप थोड़ा तेज रेस वेस दोगे तो हाँ टच होगी। तो यार एक बार ना राजेश ना इस गाड़ी के अंदर चलते हैं और एक बार अंदर ही कहानी जान लेते हैं, चले अंदर। तो अभी हम आ चुके टाटा कर्व ईवी के टॉप वेरिएंट में, मैं बता दूँ सबसे पहले डैशबोर्ड की कहानी, तो यहाँ बड़ा प्यारा टेक्सचर दे रखा है, वैसे हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे सॉफ्ट टच वगैरह दे रखा है, ओवरऑल जो उसका लेआउट है ना, मतलब डुअल टोन में जो दे रखा है काफ़ी अच्छा लग रहा है। 10.3 इंच की जो यहाँ स्क्रीन दे रखी है, यहाँ पे भाई आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, डिजिटल ये रहने वाला है। अब मैं जानना चाहता हूँ भाई इसके जो आगे की कहानी है, सबसे पहले बताओ कि जो डैशबोर्ड का जो ऊपर ओवरऑल लेआउट है वो आपको कैसा लगा, और फिट एंड फिनिश आपको कैसा लगा, और कोई रैटलिंग नॉइज़ है या नहीं है? कोई रैटलिंग नॉइज़ नहीं है और अच्छा है फिट एंड फिनिश। ओके, मुझे कोई इशू नहीं दिखता है। आपको कलर कॉम्बिनेशन वगैरह भी सही लगा? कलर थोड़ा वाइट ना होता तो गंदा हो जाता है, जल्दी गंदा हो जाता है। अभी एक 3XO वाले का किया था ओनरशिप, तो वो इतना परेशान है, कह रहा घर में बच्चे का भी टांग है, क्योंकि वो आजकल वाइट देने लगे, इवन थार रॉक्स में पूरा वाइट कर रखा है। थोड़ा ये है कि अगर डार्क साइड रहे तो ज़्यादा बेटर होता है, बट ठीक है। अच्छा, और इसकी जो टच की रिस्पॉन्स है, जो 10.3 इंच का है, इसका कैसा रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है टच का, कहीं से भी कोई लैग नहीं है। ओके, अच्छा। और GPS वगैरह सही चलता है इसमें? बहुत सही चलता है, सब सही चलता है। ओके, और जैसे ना कि टाटा कहते हैं कि हमारी फर्स्ट इन सेगमेंट है, हम इसमें OTT देते हैं, गेम्स देते हैं, सब देते हैं, तो सच में क्या यूज कर रहा है आपने? हाँ, बट वो वही है, स्टेबल मोड पे चलता है, जब गाड़ी चार्ज हो रही हो या आपने खड़ी कर रखी हो, ये वो सिर्फ तभी चलता है। जो भी हॉटस्टार प्राइम वगैरह भी है, यूट्यूब वगैरह भी चल जाता है इसमें, पर वो ये जब आप इसलिए कि जब आप चार्ज कर रहे हो तब के लिए। हाँ, वो सिर्फ तभी के लिए, वाइल्ड ड्राइविंग के लिए नहीं कि आप गेम खेल लो। बाकी सेफ्टी साइड मैं बता दूं भाई, चारों डिस्क ब्रेक हैं, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दे रखे हैं इसमें ईवी में, और भाई मैं बता दूं एक बार इसको मैंने खड़ा कर रखा है गाड़ी को, तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि इसका रिस्पॉन्स कैसा है। तो भाई ईवी बस आपको पंजा रखना है, हल्के से पंजे में जो दौड़ती है ना, स्मूथ है, बहुत स्मूथ है यार, बहुत मज़ा आता है।
लोग कहते हैं कि भाई इंजन की जब तक नॉइज ना हो तो मजा क्या है भाई, आपको क्या करना इंजन की नॉइज, जब आपको पावर मिल रही हो, इतना प्यार रिस्पॉन्स मिल रहा हो, कैबिन नॉइज में बता दो बिल्कुल शांत है। और जो इसका जो फेवरेट जो आपको फीचर है ना वो क्या है राजेश भाई, जैसे अभी तक जितने आप चला रहे हैं? फेवरेट फीचर इसका जो मुझे लगता है वो लेन असिस्ट। ओके, लेन असिस्ट। ओके, 60 से ऊपर जाते ही गाड़ी लेन के अंदर ही रहेगी, आप चाहे कितनी भी स्पीड अप कर दो, वाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। और इतने पैसे खर्च करने के बाद क्या लगता है राजेश को, क्योंकि ये और फीचर होता ना तो परफेक्ट कार होती, कौन सा ऐसा फीचर जो मिस करते हो? मुझे फिलहाल तो ऐसा कोई और फीचर नहीं लगता जो ड्राइविंग के लिए और बंदे को नेसेसरी हो। ओके, सब कुछ ही है इसमें, सारे फीचर आपने ढूंढ लिए लगभग। हाँ, ओके, मैं बता दूं बाकी ना पीछे ना दो दोस्त बैठे हैं, रखे हैं, कपिल बैठा है और अपने साथ बैठे हैं भाई अमन भाई, प्रतीक, प्रतीक भाई बैठे हुए हैं हमारे साथ। तो भाई कैसा है हेडरूम वगैरह, कैसा है दोनों का, आपका अंदर थाई सपोर्ट एक बार दिखा दो कैमरे में, आपको कैसा लग रहा है, मतलब कंफर्ट बता दो पीछे का। भैया देखो कंफर्ट के मामले में एकदम ओके है, देखो बहुत सारे लोगों का मैंने देखा था रिव्यू कि पीछे हेडरूम वगैरह नहीं है, 5 फुट 10 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा हाइट है मेरी, एंड आप देख सकते हैं कि अभी काफ़ी स्पेस है ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि स्पेस नहीं है, ये चीज़ काफ़ी सही है। और अंडर थाई सपोर्ट वगैरह, अच्छा एक बता दो मुझे प्रतीक भाई, थाई सपोर्ट के बाद कि अगर मान लो आप जैसे एक और बंदा बैठ जाए पीछे तो 3 बैठ जाओगे आराम से? ये देखो वैसे भी हमने ज्यादा बंदे बिठा के तो नहीं देखे हैं, पर आप और मैं और भैया 2 बंदे पीछे बैठे हुए हैं। okay. और आप देख सकते हो खुद भी अभी तो बहुत ज्यादा जगह बची हुई है, आराम से कोई एक बंदा बैठ सकता है। बाकी हम इंडियंस को तो आदत है कि हम भाई मतलब वैगनार में 8-8 उठा लेते हैं, 8 बंदे तो डिग्गी भी है, आप भर लो डिग्गी में भी 2 बंदे आ जाएंगे, ये चीज काफी सही है। आप इतनी दूर गए तो कम्फर्ट कैसा आपको, लाइक आपने मैक्सिमम ड्राइव की जैसे कि हमें प्रतीक भाई ने बताया, तो ड्राइवर के लिए और इवन को ड्राइवर्स के लिए पैसेंजर्स के लिए कंफर्ट कैसा था? अच्छा था कंफर्ट, कहीं मतलब बहुत ज़्यादा फील नहीं हुआ हमें, सीट्स वगैरह भी अच्छी हैं, कंफर्टेबल है, okay. बाकी वेंटिलेट सीट आ रखी है इसमें, हाँ. तो वो ज़्यादा बढ़ाती है, बट ये तो पॉइंट है ही कि अगर आप इतनी लॉन्ग जर्नी पर जा रहे हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बैक पेन वगैरह तो वो सब तो नॉर्मल सी बात है, उतना ही हुआ था हमें, बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं हुई गाड़ी में बैठ। ये बात है, तो अभी क्या नेक्स्ट ट्रिप है आप कहीं की, जो आपको लेके जानी हो? कर ट्रिप तो करनी है, डिसाइडेड नहीं है अभी, लोकेशन है, बहुत कुछ चीजों पर काम करना है, कुछ हमें चीजें अभी और देखनी है, प्लान नहीं है पर है। हाँ, अभी प्लान नहीं है प्रॉपर। ओके, बाकी ओवरऑल जो इंटीरियर इसमें कोई लैग वगैरह ऐसा कुछ आप कुछ लगाए? नहीं नहीं कुछ नहीं, तो अंदर ही कहानी आपके लिए 100 out of 100 है, मेरे लिए 100 out of 100 है, मुझे कहीं से भी, मैंने भी बहुत से लोगों की वीडियोस देखी हैं, बहुत से नेगेटिव कमेंट आते हैं बहुत सी चीजों को लेकर, टाटा की गाड़ियों को लेकर, पर मुझे तो पूरा भरोसा है टाटा के ऊपर भी और इस गाड़ी के ऊपर भी, तो मुझे तो कहीं से कुछ भी कुछ भी नहीं, जीरो है। क्या अभी एक चीज मुझे बता दें, मेजर ना प्रोज और कॉन्स क्या है कर ईवी अगर कोई प्लान करे तो? भाई कॉन्स तो मुझे नहीं पता, मैं मुझे सब तक कॉन्स इसके समझ ही नहीं आए। ओके, क्योंकि गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, गाड़ी ये रुकती नहीं है, आप इसे चलाते चलती रहेगी, रुकेगी नहीं कहीं भी। ओके, मुझे कोई कॉन्स अब तक दिखी नहीं इस गाड़ी के लिए, ये कॉन लेस प्रो हाई है कौन, हाँ ये एक कौन आप कह सकते हो कि जो अंदर वाला वो हेड रूम का जो स्पेस है वो कम है। ओके, वो तो एक है, थोड़े ग्लिचेस वगैरह है इसमें, हाँ थोड़े ग्लिचेस वगैरह इतना ही है बस। ओके, पर वो भी जो स्पेस कम है अंदर वो उसके डिजाइन की वजह से, अगर ये डिजाइन कूपे डिजाइन ना होता। हाँ सही बात है, वैसे हर गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, परफेक्ट तो करोड़ों वाली गाड़ी भी नहीं होती भाई, उनमें भी कमियां होती तभी कंपनी सुधार करती है उसमें। तो भाई टाटा कर्व ईवी को लेके जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन थे ना वो राजेश भाई से हमने पूछे, राजेश भाई ना इसको ना लेते ही ना निकल गए थे सीधा भाई कन्याकुमारी की तरफ लेके निकल गए थे, पूरी इंडिया नाप दी थी लॉन्ग टर्म में ना। अब राजेश भाई एक बार ये चीज़ बता दो मुझे, फिर से 25 लाख रुपए अगर आपके पास आते हैं और ईवी ही प्लान कर रहे हो आप, टाटा कर्व ईवी ही लोगे या फिर एमजी या किसी किसी और ब्रांड की? हैरियर ईवी लोगे। हैरियर जो मुझे पहले से काफ़ी ज़्यादा जो कार सबसे ज़्यादा पसंद है वो हैरियर, और जो कि लॉन्च भी होने वाली है। हाँ जो कि लॉन्च भी होने, बट फिलहाल तो अभी ऐसा कोई सीन नहीं, फिलहाल तो अभी ये ले ली, इसे ही चलाना है बहुत अच्छे से। अच्छा, क्योंकि मुझे ये गाड़ी अच्छी भी लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है, खुश हूँ मैं इस गाड़ी से, अच्छी है, वर्थ है मेरे हिसाब से। और आपका दोस्त अगर आपसे बोले कि मुझे कर्व ईवी ही लेनी है तो उसको बोल दो कि हाँ ले ले। हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से टाटा की इस समय कोई भी गाड़ी अगर आप लेना चाह रहे हो वो वर्थ है पैसे के हिसाब से। और आप बस इन छोटी मोटी, हाँ बॉडी के अलाइनमेंट पार्ट में फर्क है, लाइट में फर्क है, अगर सब इन सब चीजों की वजह से आप छोटी छोटी कमियां तो हैं। हाँ छोटी छोटी कमियां तो है, उस चीज को आप नहीं कर सकते, हाँ है कमियां हैं। तो फाइनली आउट ऑफ 5 stars को आप कितना रेट करना चाहोगे? पूरे 5 पूरा सेटिस्फाइड उस कार से, मुझे कोई कमी नहीं दिखती इस कार में। मेरे को यार दिल से ना बड़ा अच्छा लगता है कि ना जब ना अपने देश का लोहा जब कंज्यूमर खरीदता है और उसको
फुल आउट ऑफ फुल जब रैंक करता है, रेट करता है, तो काफ़ी ना अच्छा लगता है कि हाँ भाई एक प्रोडक्ट निकाला है और कस्टमर खुश है। तो दोस्तों यहीं तक की थी वीडियो, मैक्सिमम सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, कोई क्वेश्चन आएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी राजेश भाई आपके पास इंस्टा आईडी बता दो, क्या अगर किसी को आपसे जुड़ना हो तो कैसे जुड़े? ऐड, हमारे इंस्टा चैनल का नाम है कर्व ऐड, वहाँ पर जाके सर से जुड़ो, इनको भी फॉलो करो, भाई क्वेश्चन पूछो, बड़े जेन्युइन बंदे हैं। तो थैंक यू राजेश जी चैनल पर आने के लिए, थैंक यू टीम आने के लिए। थैंक यू।